सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दलित समाज पर कथित जाति सूचक टिप्पणी के मामले में अब कोर्ट के FIR पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। परिवादी नरेश कंडारा के FIR पर कोर्ट के आदेश पर नागौरी गेट थाना पुलिस ने अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। परिवादी ने आरोप लगाया कि फिल्म अभिनेता सलमान खान ने फिल्म टाइगर जिंदा है के दौरान एक इंटरव्यू में वाल्मीकि समाज पर जाति सूचक टिप्पणी की, जिसके दलित और वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। गौरतलब है कि इसको लेकर प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने फिल्म टाइगर जिंदा है का विरोध भी किया था। साथ ही प्रदर्शन कर अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सर, कुछ दिन पहले एक TV इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने टाइगर जिंदा फिल्म को लेकर एक डांस स्टेप के बारे में बोल रहा था कि एक डांस स्टेप ऐसा लग रहा है कि उसमें मैं बंगी जैसा दिख रहा हूँ। तो मैंने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के जरिए मुझे याद हुआ तो इस मामले को लेकर मैं नागौरी थाना गया। वहाँ पर मुझे ये कहा गया कि ये मुकदमा दूसरी जगह का, यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर मैंने जरिए हमारे DR मेघवाल वकील साहब उनको उनके मार्फत SC/ST कोर्ट में इस तरह से लगाया और सलमान खान के विरुद्ध जो हमारी वाल्मीकि समाज को घृणा की दृष्टि से और उसके मन में जो घृणा हुई कि एक बंगी शब्द, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए लेकिन आज हमारी इस देश के अंदर एक फिल्म स्टार जो हमारे लोगों के बारे में, हमारे समाज के लोगों के बारे में इतनी घटिया और इतनी उच्च सोच रखता, तो इसकी हम समाज स्तर पर निंदा की और हमने और हमारे पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ। इसलिए मैंने जरिए इस गासा लगाया और सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई कर और ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए, वरना भविष्य में ये लोग ऐसे ही भारत के अंदर ऐसे बयान, झूठे बयान देकर किसी समाज विशेष की आवाज़ और उनको ठेस पहुँचाने की काम करें। ऐसे लोगों की पूरे भारत में निंदा करते हैं वाल्मीकि समाज और इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, जोधपुर के अंदर पूरा रास्ता जाम किया गया, रेलवे गाड़ी और ये मुकदमा दर्ज किया। हम शासन प्रशासन और मीडिया के मार्फत ये कहना चाहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज के प्रति जो घृणा के जो भाव इस सलमान खान ने दिखाए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ। अपना नाम बताएं। नरेश कंडारा, प्रदेश अध्यक्ष आजाद दलित फौज राजस्थान। सर बताएं। नरेश कंडारा जो कागा कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने न्यायालय में एक इस्तगासा पेश किया था कि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी ने फिल्म टाइगर जिंदा के शूटिंग के दौरान उनकी जाति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। इस संबंध में इस्तगासा जो न्यायालय से थाना नागौरी गेट पर प्राप्त हुआ है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनका अनुसंधान जो है वो निशांत भारद्वाज। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।